हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं नेदर हब इन माय हार्डकोर माइनक्राफ्ट। तो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आपको इसे पता है कि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, चलो छोड़ो मेरे को बताओ वो कर ही दोगे। तो गाइस, ये वीडियो बनाते हुए मेरे को अपने रियल लाइफ का पूरा 1 वीक लग चुका है। जैसे आपको पता, पूरी वीडियो लेट हो चुकी थी मेरी, तो इस वजह से हुई थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो ये कर देना, तो लेट्स गो टुवर्ड्स द गेम प्ले। तो गैस, अब सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि हम जाएंगे बेसाल्ट बायोम में और जाके बेसाल्ट को कलेक्ट करेंगे, और उसके जाने पड़ेगा मेरे को रैप्ड क्रिम्सन बायोम में, ब्लू वाली बायोम में। वहाँ पर जाके मेरे को ब्लू वाली उसके लीव्स चाहिए बहुत सारे, ताकि यू नो अपना डेकोरेट कर पाऊँ अपना अदर हब। तो ये मेरे दो काम है आज के पहले जो मैं करने वाला हूँ वीडियो में। और प्लस पॉइंट एक और चीज़ जो कि मैं करने वाला हूँ, अपने जो मेरे टूल्स हैं उसको हील करने वाला हूँ, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत कम है। तो उससे पहले हम जाएंगे गोल्ड फार्म, फिर जाएंगे नेदर, ठीक है? तो चलते अभी आगे का काम अपना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स द वीडियो, लेट्स स्टार्ट टू दिस गेम प्ले। तो गाइस, फाइनली मैं आ चुका अपने गोल्ड फार्म, मैंने लीवर ऑन कर दिया। अभी हम अपने टूल्स को हील करते हैं। तो फाइनली गाइस, मैं आ चुका हूँ नेदर में और पहुंच चुका अपने बेसाल्ट वाले बायोम में। और अभी हमें यहाँ पे पूरा यू नो बेसाल्ट कलेक्ट करना है। और मेरी ओपी लैंडिंग, अरे अरे क्या ही लैंडिंग किया मैग्मा ब्लॉक के ऊपर। चलो कोई ना, एनर्जी को छोड़ो। तो गाइस, अब मैं करने वाला हूँ इसकी माइनिंग और आपको दिखाऊंगा इसका पूरा यू नो तेजी करके टाइम स्लैप। तो लेट्स स्टार्ट इट, करते हैं बेसाल्ट कलेक्ट। और तो कुछ नहीं, लेट्स गो। फाइनली गाइस, मैंने यहाँ पे पूरा बेसाल्ट कलेक्ट कर लिया। अभी सल्ट पे मैं डाल देता हूँ और एक घास मेरे सामने स्पॉन हो गई, मारेगी तो नहीं, ये मेरे को देख के ही भाग गई वो, छोड़ो इसको। तो अभी सारा मैं अपना बेसाल्ट इसके अंदर डाल देता हूँ। तो अभी ये जो बेसाल्ट इसको अपने इन्वेंटरी में रखता हूँ, क्योंकि मेरा सल्ट पूरा फुल हो चुका है। तो इसको अभी तोड़ता हूँ और इसको इसके अंदर डालता हूँ अपने एंडर चेस्ट के अंदर, और इसको भी एंडर चेस्ट को भी तोड़ ही देता हूँ अभी मैं। हाँ, तोड़ ही देता हूँ इसको। तो हाँ, तो गाइस, अब मेरे को जाना है ब्लू बायोम में जो कि मेरे पीछे है। उससे पहले अपनी इन्वेंटरी खाली कर लेता हूँ, मैंने इसको खाली भी कर लिया, गनपाउडर साइड पर रख देते हैं, ठीक है? तो देखो, मैं ब्लू वाले बायोम के पास ही खड़ा हूँ। मेरे को ये जो इसके लीव्स है ना पेड़ के, मेरे को ये चाहिए। तो ये कलेक्ट करूँगा मैं बहुत सारा, क्योंकि मेरे को ये बहुत ही चाहिए। तो अभी इसको कलेक्ट करूँगा और इसका टाइम स्लैप भी आएगा अभी आपके सामने। तो लेट्स गो, कलेक्ट करते हैं इसको भी। तो गाइस, जिस स्पीड से मेरी ये पिकेक्स काम कर रही है, मेरे को लगता है कि मैं जल्दी कर पाऊंगा। तो मेरे को इसके लिए एक हो बनानी पड़ेगी। चलते हैं अभी ओवरवर्ल्ड में हो बनाने, लेट्स गो। तो गाइस, मैं आ चुका अपने ओवरवर्ल्ड में, मैंने अपने डायमंड उठा लिए और मैं अपने डायमंड की हो बना लेता हूँ। अपने डायमंड की हो मैंने बना ली है। अभी चलते हैं नीचे, इसको एन्चांट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या एन्चांटमेंट मिलती हैं। आप भी देखो मेरे साथ। तो फाइनली गाइस, मेरे पास मेरी होप बन चुकी है एकदम ओपी वाली, फॉर्च्यून वाली, एफिशिएंसी वाली, अनब्रेकिंग वाली। अब कमी है तो मेंडिंग की, वो भी लगाते हैं। तो गाइस, फाइनली मैं चुका अपनी मेंडिंग वाले विलेजर से। अभी इससे ट्रेड मारते हैं मेंडिंग की बुक, और मैंने मार ली मेंडिंग की बुक ट्रेड इससे। तो अभी इसमें को मेंडिंग लगाने ऊपर जाके, तो चलते हैं ऊपर की साइड और यहाँ पे मेरा एनविल पड़ा होगा, इसको करते हैं बंद यहाँ से। तो यहाँ से लगाते हैं अपनी मेंडिंग, अपनी हो पे, और अपनी फुली मैक्स हो बन चुकी है, एफिशिएंसी की कमी है वो लगा लेंगे, लेट्स गो। तो चलो, अपने में नेदर का इंगट भी पड़ा है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं नेदरेट में, और ये इसमें भी कन्वर्ट। तो अभी चलते हैं अपने नेदर हब में और अपनी डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डेकोरेशन करने से पहले मैं एक चीज़ तो भूल ही गया कि अभी मेरे को वो यू नो ब्लू वाले क्रिम्सन वाले जो भी उसको बोलते हैं लीव्स, मैं लीव्स बोल रहा हूँ उसको, ठीक है? मेरे को वो चाहिए अभी। पहले उसको मैं लेके आऊँगा, फिर हम अपनी डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। बट मेरे को भी ढूंढने पड़ेंगे जाके उसकी पूरी बाय मिल जाए, मेरे को सिर्फ दो पेड़ मिले थे वहाँ पे, तो मेरे को ढूंढने पड़ते हैं। ढूंढने चलते हैं। तो अब तो आप टाइम स्लैप एंजॉय करो और क्या, लेट्स गो। तो गाइस, मैंने फाइनली यहाँ पे यू नो पूरा क्लेट करके रख लिया अपने तरफ में, आ चुका हूँ और अपने पूरे टूल्स भी हील कर लिए हैं। अब आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या क्लेट करके लेके आया हूँ। तो उससे पहले मैं कुछ खोलना पड़ेगा अपने एंडर चेस्ट, सब कुछ पड़ा है ये देखो यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तो है अपना जो लीव जो वाला, जो इसको बोलते हैं क्रिम्सन, जो भी आप बोलते हैं, सूनलाइट में लेके आ चुका हूँ, ठीक है? और अगर मैं बाकी आपको दिखाऊँ तो मैं बेसाल्ट पड़ा है, इसको भी अपनी नंटे पर रख लेता हूँ, क्योंकि काम भी आएगा मेरे ऊपर, इसको लगाने वाला हूँ मैं ऐसा डेकोरेशन, ठीक है? जो लाइव स्ट्रीम पे उनको तो पता मैं कैसे डेकोरेशन करने वाला हूँ, जो नहीं आते तो फिर आया करो यार लाइव स्ट्रीम पे,
मैं कभी कभी करता हूँ, हर रोज थोड़ा ना करता हूँ, तो आ जाया करो ठीक है। तो अभी देखिए तो दूसरे वाला यहाँ पे बेसाल्टी बेसाल्ट है जो कि आई थिंक सो मैं यूज़ भी नहीं करूँगा शायद, आपको आगे वीडियो पता लगेगा। चलो कोई ना, एनीवेज छोड़ो इसको भी। तो अभी चलते हैं ऊपर की, अभी चलते हैं डेकोरेशन के पास जाके मैं करने वाला हूँ, लेट्स गो। और इसको मैंने अंदर रख दिया, अभी चलते हैं ऊपर, तो मिलता हूं आपको ऊपर जाके इन जस्ट 2 सेकंड्स। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था कि मैं बेसाल्ट यूज़ नहीं करने वाला हूँ, वो अब मेरे बाबे का ही काम आ जाएगा कोई बिल्ड में, तो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्लैक स्टोन। आपको दिखाता हूँ मेरे पास ब्लैक स्टोन कितना पड़ा है ऑलरेडी, जो जब मैंने वेस्टर्न को खोला था। तो ये देखो मेरे पास ब्लैक स्टोन इतना पड़ा है, तो ये सारा ब्लैक स्टोन मैं यूज़ कर सकता हूँ अभी। हाँ मैं करूँगा ही, मतलब कर सकता नहीं, मैं करूँगा ही। तो अभी इसको लेके चलते हैं ऊपर, फिर आपको दिखाता हूँ कि ऊपर डेकोरेशन कैसे करनी है। वैसे मैं इसको अपने शल्कर के अंदर क्यों डालूँ को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से आके मैं ले सकता हूँ, तो इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं ठीक है। तो अभी चलते हैं ऊपर, आपको मिलता है जस्ट ऊपर जाके। हो भाई पूरे 5 मिनट में ट्राई किया कि ऊपर लैंड कर जो, मैं फाइनली अब कर चुका हूँ लैंड, वो भी आई थिंक जो पीछे ब्लॉक्स लगा के लाइटर से नहीं कर पाया। चलो छोड़ो, तो क्या जब मैं ऐसे करके लगाने वाला हूँ जैसे मैं आपके सामने लगा रहा हूँ ब्लैक स्टोन, फिर उसके ऊपर आएगी वो रैप्ड क्रिम्सन, जो क्रिम्सन नहीं है वो कुछ और रैप्ड वॉट ब्लॉक कुछ ठीक है। तो जैसे अब मैं लगा रहा हूँ ऐसे इसकी लेयर आने वाली है ब्लैक स्टोन, फिर उसकी ब्लू वाले की ठीक है, फिर ब्लैक स्टोन फिर उसकी ब्लू वाले की। अभी समझो ब्लू वाला क्या है ठीक है, तो मेरे को भी उसका समझ नहीं आ रहा है, ब्लॉक वॉट ब्लॉक है कुछ करके ऐसे ठीक है, फंबल कर गया माफ करना ठीक है। तो कैसे मैं ऐसे करके लगाने वाला हूँ, तो अभी आपको टाइम स्लैप दिखेगा, वो घास भी ऊपर उसको छोड़ो ठीक है, अब आपको टाइम स्लैप दिखेगा, तो देखो पूरा टाइम स्लैप, लेट्स गो, मिलता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे पूरी ब्लैक स्टोन की जल्दी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी आने वाली है रैप्ड वॉट ब्लॉक की लेयर, जैसे कि सेम अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ऐसे करके अब इसकी साइड पे लेयर आने वाली है जैसे ब्लैक स्टोन की आई है, और उसके ऊपर फिर से ब्लैक स्टोन आने वाला है जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अब ये करूँगा, फिर आपको मिलता है सारा कंप्लीट करके, और लेट्स गो। हाँ जी गाइस, तो गाइस मैंने यहाँ पे अपनी 2 लेयर कंप्लीट कर ली हैं, और अब मैं सोच रहा हूँ कि बाकी सारा ऑफ स्ट्रीम करूँगा ठीक है, बिकॉज बहुत टाइम लगने वाला है और इतना दिखा भी सकता मैं। तो आपको मिलता हूँ ये पूरा कंप्लीट करके जाते हुए ऊपर तक लेके आना है। चलो ओ भाई, तो फाइनली गाइस जहाँ तक मेरे को ऊपर तक लेके आना था मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, और इसकी शेप सर्कल नहीं बनी क्योंकि वो बनने नहीं वाली थी, क्योंकि वो नीचे वाला सर्कल ली था तो ऊपर कैसे बन जाएगा। हाँ मेरे को पता सर्कल नहीं है नीचे मेरा, तो कोई ना, बाकी नजर पर अपना ओपी दिख रहा अभी तक। तो अभी इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ पर्पल ग्लास वाला, पर्पल ग्लास की पूरी लेयर, ताकि ऊपर से बंद हो जाए, कोई भी अंदर मॉब स्पॉन ना पाए, अंदर तो होगा मतलब बाहर स्पॉन ना पाए, तो उसके लिए। प्लस अभी इसका मैं पूरा टाइम सेट दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने ऊपर वाली लेयर कंप्लीट कर दी, आपको दिखा देती कैसी लेयर वो दिख रही है, तो कुछ ऐसे दिख रही है, आपको दिखा देता हूँ। और ये बूम, तो नेदर रूफ एकदम ओपी बन चुकी है। अभी जो मेरा मेन टारगेट है नीचे वाला, अब नीचे मेरे को करना क्या है, नीचे मैं आपको जैसे पता है मैं फोग इवेंट डालने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरे को ये जो नेदर है ये पूरा पहाड़ डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जितना मेरे को चाहिए आई थिंक 7 लेयर मेरे को नीचे बनानी पड़ेंगे ग्लास की, तो उतना मेरे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ये करके आपको जल्दी से मिलता हूँ, सारा ऑफ स्ट्रीम करूँगा, तो मिलता हूँ आपको जस्ट बूम करके। ओ मेरे भाई, तो फाइनली गाइस पूरे 1 दिन मेहनत करने के बाद मैंने यहाँ पे पूरा बना दिया, आप देख सकते हो आपकी आंखों के सामने दिख रहा होगा, और ये काफ़ी ओपी दिख रहा है। और मैं ड्रैगन मेरा पूरा नीचे से खाली खोखला कर दिया है, अभी वैसे यहाँ पे ग्लास की लेयर आने वाली है, और ये साइड पे जो नेदर है इसको भी हटा देंगे इन फ्यूचर ठीक है, जब आके बनता जाएगा। और भाई सच में बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, अभी तो ग्लास लगाना पड़ेगा, इतना ग्लास कहाँ से लेके आऊँगा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अभी आएगा ग्लास वाला इफेक्ट, लेट्स गो, वो डालते हैं। हो तो चलो अभी हम यहाँ पे डालते हैं ग्लास इफेक्ट, पहले आएगा पर्पल फिर पिंक फिर पर्पल फिर पिंक फिर पर्पल फिर पिंक फिर पर्पल, पूरी 7 लेयर ऐसे बनने वाली है ठीक है। तो अभी चलते अपने एंट्री चेस्ट खोलता हूँ, यहाँ पे मेरे एंट्री चेस्ट में सारा सामान पड़ा होगा, तो एंट्री चेस्ट मेरी खोलने के लिए मेरे पीछे पड़ी है, इसको खोलो ठीक है। यहाँ से निकालते हैं अपना पर्पल स्टेन ग्लास, और यहाँ पे इसको लगाया मैंने शल्कर, और यहाँ से निकाले अपनी इन्वेंट्री पूरी फुल कर लेता हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ कैसे लगाने वाला हूँ मैं, मतलब सिंपल ही पहली लेयर में जैसे मैंने बताया है पर्पल वाला फिर पिंक ऐसे करके लगाने वाला हूँ ठीक है। आपको पहली लेयर या दूसरी लेयर में दिखा देता हूँ फटाफट, फिर उसके बाद सारा ऑफ स्ट्रीम। हाँ ठीक है, तो फिर जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ, और अभी इसको मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा सर्कल उठाने के लिए, तो यस ठीक है।
और ये मेरी इन्वेंटरी में आ चुका है और इसको अंदर रख देता हूँ मैं, और ये बूम, ठीक है। तो अभी जब उठाते हैं वो वाला ग्लास और अभी लगाना शुरू करता हूँ मैं, ये तो होता रहेगा, ठीक है। तो अभी लगाते हैं, अभी आपको दिखेगा पूरा तेज तेज करके, आई थिंक सो, लेट्स गो। तो यहाँ पे मैंने पूरा पर्पल ग्रास तो नीचे वाली बाउंड्री पे लगा दिया है, मतलब थोड़ा सा बच्चा यहाँ पे, थोड़े काफ़ी बच्चे यहाँ पे, तो खत्म हो गया है, सीरियसली बताऊँ अगर आपको। तो अभी लगाने वाला मैं पिंक ग्लास, तो वो भी स्टार्ट करते हैं, फिर उसका लेने चलेंगे ग्लास सैंड माइन करने चलेंगे, और फिर यही काम रह जाएगा, वो आपको शायद मैं ना दिखाऊँ, बट जो दिखा रहा हूँ वो देखो। चलो तो अभी लगाते हैं पिंक ग्लास, आई मीन मैजेंटा। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं डेजर्ट में इसको तबाह करने के लिए, क्योंकि मेरा ग्लास हो चुका है खत्म और मैंने मैजेंटा वाली लेयर भी कंप्लीट कर दी थी वहाँ पे। तो अब मेरे इसके ऊपर बहुत लेयर पड़ी है, आई थिंक सो 5 लेयर और पड़ी हैं, तो उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा ग्लास लगने वाला है। तो अभी मैं कलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ग्लास, 2 सर्कल लेके जाऊँगा फिलहाल तो मैं, तो अभी आपको टाइम से तो नहीं दिखाने वाला, सीधा आपको क्विक करके दिखाता हूँ। ये बूम, देखा, पता भी नहीं चला। तो गाइस मैंने यहाँ पे पूरे 2 शल्कर कलेक्ट कर लिए हैं पूरे सैंड के भर के, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। तो ये देखो, इस शल्कर में पड़े हैं, तो ये 1 शल्कर पड़ा है और ये पूरा फिल है, ठीक है, और ये 2 शल्कर भी पूरा फिल है। तो अभी इसको उठाते हैं यहाँ से, और ये पिकेस मैंने तोड़ दी दोनों शल्कर को, और डालते हैं इसको एंटर चेस्ट के अंदर और चलते हैं अपने घर की तरफ और जाके इसको स्मेल्ट करते हैं, ग्लास मिलाते हैं, फिर इनको टाई करते हैं। हो भाई काम बहुत है यार, और अकेला बंदा है, काश डुओ स्टार्ट किया होता मैंने। चलो कोई ना, एनीवेज अभी चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली अभी आ चुका अपने स्मेल्टर के पास, अभी इसका काम आने वाला है जो मैंने बनाया था। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे पूरा कोल डाल दूंगा जितना मेरे पे है, बाकी इन फ्यूचर तो मैं अपना ये यूज़ करने वाला हूँ लावा बकेट। अभी आपको पूरी वीडियो तेज दिख रही होगी बिकॉज इसके ऊपर वॉश ओवर करने के बाद कुछ नहीं था, तो इसको तेज कर देता हूँ। तो अभी गाइस मैं कुछ नहीं करता, अपने हर फर्नेस में कोल डालता हूँ और जब कोल खत्म हो जाएगा फिर मैं डालूंगा लावा बकेट, ठीक है। तो ये करने वाला हूँ, लावा बकेट मेरे पास इन्फिनेट सोर्स है बिकॉज मेरे पास यू नो आपको पता है लावा, यू नो नेदर है, वहाँ पे लावा इन्फिनेट है। तो मैं उसके बाद यहाँ पर देख देता हूँ अपना एंडर चेस्ट और यहाँ से निकालता हूँ अपने सारे के सारे सैंड जितना मैं लेके आया था, और सैंड अभी करने वाला हूँ मैं, इसको शिफ्ट कर दूंगा अपने ऊपर डबल चेस्ट में ताकि जो माइक्रोवेव हॉपर है वो अपना फर्नेस में डालती रहे और मेरे को बस यहाँ पे AFK खड़ा होना पड़े। तो अभी जल्दी से अपना यू नो खाली करता हूँ और मिलता हूँ आपको जल्दी, हाँ जल्दी मिलता हूँ, काम बहुत है। हाँ गाइस एक और चीज़, अभी जो यू नो मेरा नेदर में आपको पूरा कंप्लीट करके मिलता हूँ, मैं वॉइस ओवर बाद में कर रहा था, ठीक है। तो मेरे को पता है मैं पूरा यू नो दिखाऊंगा नहीं आपको बिकॉज अभी मैं वही सेम चीज़ करने वाला हूँ, सैंड लेके आऊँगा, स्मेल्ट करूँगा, फिर उसका ग्लास बनाऊँगा, सब कुछ वही फिर लगाऊंगा, ठीक है। वो आपको दिखाना अभी मैं आई डोंट थिंक सो कि अच्छा होगा, ठीक है, वीडियो बस लंबी होगी उससे और कुछ नहीं होगा। तो अभी पूरा नेदर को कंप्लीट करके आपको मिलता हूँ, और अभी बस ये यहाँ पे सैंड डाल रहा हूँ ऊपर तो मैं और कुछ नहीं कर रहा, तो इसको कट करता हूँ, मिलता हूँ आपको एंडिंग में, लेट्स गो। तो गाइस जो आप अभी ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये 2 दिन बाद की है, क्योंकि 2 दिन में पूरा नेदर अब बनाया और आपको दिखा सकता हूँ मैं कि अब जो पहली बात मेरी जो XP है वो इतनी कम कैसे हुई। मैंने अपने सारे टूल्स पे 75 लगा ली है, मैंने ट्रेड मारा था ग्लास, क्या बताऊँ आपको मैं, ट्रेडिंग मारा, माइन भी करके लेके आया, बहुत कुछ किया है। आपको दिखाता हूँ नेदर हब, और ये आप यहाँ पर नेदर हब आने वाला है, एकदम OP बना है और एकदम स्वाद बना है, इन 3, 2, 1 और ये बूम, नहीं दिखा क्या, हाँ दिख गया ना भाई। तो ये देखो गाइस क्या ही OP फोगीफेक्ट आ रहा है, मतलब सब इतना OP बन चुका है ना भाई, मैं खुद बता रहा हूँ जो मैंने मेहनत की है ना वो रंग दिखा रहे हैं भाई, इतना सही बन चुका है ना। अभी उसका यू नो गेट है वो हम अगले एपिसोड में कभी देख लेंगे, क्योंकि अब मेरे पास दिमाग में नहीं था कोई आइडिया, सही में बताऊँ मैं, ठीक है। तो अब के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे, नेदर हब अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ी बहुत डेकोरेशन लाइटिंग वाइटिंग करेंगे वो हम धीरे धीरे लाइव स्ट्रीम पे कर देंगे, नहीं तो नहीं अगली पार्ट में कर लेंगे अगले यू नो वीडियो में, क्योंकि छोटा मोटा काम ही बचाइए, बाकी एकदम OP बना है, एकदम स्वाद बना है, एकदम मक्खन बना है। और जिस चीज़ को ये वीडियो अच्छी लगी, जिस चीज़ को नेदर हब अच्छा लगा, मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और आज की वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, मेरे को भी वो पता है, बट कोई ना यार थोड़ा सा ये करो क्योंकि पेपर चल रहे हैं मेरे भी, ठीक है। अभी कल मेरा यू नो पेपर है और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ आपसे, अभी मिलता हूँ आपको आउटर में, अभी आउटर करता हूँ। तो हाँ जी गाइस कैसी लगी, आ गया स्वाद,
आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे सब्सक्राइब एंड शेयर, इट विल मीन अ लॉट। और इस वीडियो का लाइक के मैम 150 लाइक्स तो कर देना। तो मिलता आपको नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।